जी बेटा, एग्जाम्पल एक्सरसाइज जो है 11.3 का हम डिस्कस करने लगे हैं, दैट इज टोटली बेस्ड ऑन प्लेन और सारे के सारे जो है हमारे पुराने कॉन्सेप्ट्स के बेस पर होगा. ओके, इन दिस क्वेश्चन व्हाट इज रिटन इन द फर्स्ट, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिटरमिन द डायरेक्शन कोसाइन्स ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन and the distance from the origin. उसने पहले कहा है exercise 11.3 के first question पे बेटा कि मुझे क्या करना है. सबसे पहले given plane की direction को cosine of the normal to the plane and the distance from the origin, और origin से distance ढूंढना है. और पहला plane जो है मुझे दिया हुआ है बेटा z equals to 0. अगर z is equal to 2, sorry, z is equal to 2, to that mean z is equal to 2 दिया है, तो ये कैसा हुआ, 0x plus 0y plus 1z equals to 2, standard form में लिख लिया ना बेटा मैंने. अब जब मैंने standard form में लिखा तो बेटा मेरे पास direction cosines, अगर आपको लगता है ये direction ratios है ना, तो आप direction पहले ratio लग के magnitude से divide करके देख लो, बट मुझे पता लग रहा है जीरो का स्केयर प्लस जीरो का स्केयर प्लस वन का स्केयर ऐड करूंगी तो वो वन ही बन रहा है, तो 100% ये डायरेक्शन को साइंस होंगे. ओके, तो मेरे पास तो है डायरेक्शन को साइंस ऑफ प्लेन. बेटा मैं बार बार कहती हूँ प्लेन के नहीं होते, उसका प्लेन का अपना कुछ नहीं होता है, क्या होता है वो नॉर्मल के होते हैं, तो आप डायरेक्शन को साइंस ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन ऐसे भी लिख सकते हो, That is 0, 0, 1. अब मुझे क्या कहा गया, ओरिजिन से मैंने जो है ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन. ओके बेटा, तो ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए प्लेन पे मैंने आपको क्या कहा था कि पॉइंट जो है, आप एक मेथड ये जो अभी मैंने जीरो पीरियड में बताया कि वो पॉइंट पुट कर लीजिए, या देखा जाए तो ये प्लेन स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, ये इसके डायरेक्शन को साइंस है. अगर डायरेक्शन को साइंस है तो ये जो टू होता है इधर कांस्टेंट टर्म होती है वो बेसिकली मेरे पास क्या होता है बेटा, बेसिकली जो है वो मेरा ओरिजिन से जो है क्या होता है, डिस्टेंस होता है कि नहीं होता बेटा. तो यहाँ पर क्लियर कट स्टेटमेंट में आप देखिए कि मेरे पास जो है, जब मैंने डायरेक्शन को साइंस निकाल लिए, मुझे दिया हुआ है जीरो, मेरे पास जीरो वन, तो ऑब्वियस है ये ओरिजिन से डिस्टेंस ही होगा, तो सीधा भी आप लिख सकते हो टू. ओके बेटा, क्लियर. एक और पार्ट कर देते हैं, है ना, बी सी डी पार्ट है, तो लेट अस डू सी पार्ट. ठीक है, सी पार्ट में देखते हैं अब क्या है हमारे पास. टू एक्स प्लस 3y minus z is equal to 5. अब अगर मैं देखूं तो ये 2, 3 और minus 1 ये direction ratios हैं बेटा मेरे पास. तो direction ratio जो है इस plane के वो मेरे पास क्या होंगे, 2, 3, minus 1. तो direction को sines पे जाने के लिए क्या करेंगे हम, हाँ जी, अगर direction ratios दिए डायरेक्शन को साइंस में जाना है तो क्या करते हैं, जस्ट रेज योर हैंड बेटा, हरी अप. हाँ जी, कैसे करेंगे, आदित्य शर्मा फ्रॉम प्लस टू ए, अगर डायरेक्शन रेशियोज दिए हैं डायरेक्शन को साइंस पे जाना है तो क्या करेंगे बेटा. हाँ जी, एनी अदर स्टूडेंट, कनुबा, कनुबा अनम्यूट योर सेल्फ बेटा, कनुभा, कनुभा अनम्यूट यू सेल बेटा. कोई ऐसा बच्चा जो खुद बताना चाहता हो, एनी अदर स्टूडेंट हु वांट टू टेल कि यस मैम ये कर सकते हैं हम. हाँ जी, किसी को भी नहीं दिल करता बताने को. सुखमनजोत, सुखमनजोत अनम्यूट यू सेल. ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा बेटा, गलत ही हो जाएगा ना, कोई बात नहीं, पार्टिसिपेट तो करो बेटा,
अगर आपको डायरेक्शन रेशियोज दी है, हमने पहली एक्सरसाइज की थी और डायरेक्शन को साइंस में चेंज करना है तो क्या करते हैं? हाँ, एक दूसरे की क्लास के आगे बताना मुश्किल लगता है, मुझे तो यही लग रहा है। Nobody is interested to tell. Yes, Sukman, very good beta, बताइए। Your voice is not audible, Sukman. हाँ जी, अब बोलिए भी ये। Sukman बोलिए बेटा। Any other student? कोई और बताना चाहता हूँ? चलिए मैं ही बता देती हूँ, क्योंकि आप लोगों को बहुत ठंड लग रही है ना, तो लेट अस डू, है ना। तो मेरे पास जो है, अगर डायरेक्शन रेशियोज दिए हुए हैं मेरे पास, दैट इज 2, 3, -1, और इतना इजी है कि डायरेक्शन को साइंस में अगर कन्वर्ट करना है तो बेटा आप क्या करोगे? मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे, तो मैग्नी मतलब 2 को डिवाइड करेंगे हम, 2 का स्केयर 4, 3 का स्केयर 9, -1 का स्केयर। हर क्वांटिटी को जो है रूट 14 से क्या कर दें? डिवाइड कर दें। ओके बेटा, क्लियर? नाउ बेटा, मेरे पास जो है, जब मैंने मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया तो उन्होंने कहा कि ओरिजिन से डिस्टेंस भी बताइए, तो दोनों तरफ उस मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो दूसरी तरफ जो कांस्टेंट वाली टर्म बचेगी वो मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा? ओरिजिन से डिस्टेंस हो जाएगा। ओके जी, क्लियर? नाउ लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है जी, ध्यान से सुनना है, ध्यान से पढ़िए सारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 2 में व्हाट इज रिटन हियर, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन। प्लेन की वेक्टर इक्वेशन निकलनी है विच इज एट ए डिस्टेंस 7 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। मैंने आगे भी आपको कहा था, जब भी ओरिजिन से डिस्टेंस की बात की जाए तो हमारे पास एक ही प्लेन की इक्वेशन बनती है। वो प्लेन की इक्वेशन क्या बनती है? आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल्स टू डी। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है, अगर कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है, तो एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल्स टू डी। ओके जी, तो अब हम देखते हैं आगे उसने क्या कहा। उसने कहा ओरिजिन से डिस्टेंस 7 है, ठीक है, एंड नॉर्मल टू द वेक्टर। अब नॉर्मल टू द वेक्टर मुझे दिया हुआ है, दैट इज मेरे पास हो गए 3i + 5j - 6k। अब बेटा ये नॉर्मल टू द वेक्टर दिया है, यूनिट वेक्टर नहीं दिया, तो दैट मींस मेरे पास जो इस क्वेश्चन में वैल्यू दी है बेटा, वो बेसिकली क्या दी है मुझे? ये n वेक्टर की, n कैप की नहीं दी, ये l m n नहीं है, ये a b c है। क्योंकि अगर मैं इधर ओरिजिन से डिस्टेंस लगाऊंगी तो इधर मेरा नॉर्मल यूनिट वेक्टर होना चाहिए, एन कैप होना चाहिए। तो सबसे पहला काम है कि एन कैप निकालो, ये हमने वेक्टर में किया हुआ है। एक वेक्टर से यूनिट वेक्टर निकालने के लिए वेक्टर को हम क्या करेंगे? मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे। जब मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास 9 + 25 + 36। देखिए मैंने मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दी। ओके जी, जब मैंने मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया तो मेरे पास जो है यहाँ पर अगर हम करें तो दैट इज 34, और ये मैंने किया तो 70, तो मेरे पास जो है 3/√70i + 5/√70। कैलकुलेशंस चेक कर लेना, -6/√70k का। अब ये मेरा n कैप बना और ये मेरा ओरिजिन से डिस्टेंस d बना। तो दैट मींस अगर, क्योंकि उन्होंने कहा वेक्टर इक्वेशन लिख लिया ना, तो मैं वेक्टर ही लिखूंगी ना, मुझे कार्टेशियन की जरूरत नहीं है। तो r वेक्टर डॉट n कैप, n कैप कैसे लिखूंगी यहां पर?
थ्री रूट सेवेंटी आई प्लस फाइव रूट सेवेंटी जे माइनस सिक्स रूट सेवेंटी के, दैट इज इक्वल्स टू डी, और डी कितना है 7। बात क्लियर हो गई? अगर आप रूट 70 से नहीं करते हो तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। तब बेटा उधर आपके पास जो ओरिजिन से डिस्टेंस 7 नहीं बनता। ओके बेटा, क्लियर टू एवरीवन? कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को यहां तक? अभिरूप, आदित्य, सारांश, इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? हाँ जी, आदित्य शर्मा, अभिरूप सिंह, सारांश, ओके गुड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर मेरे पास होंगे थर्ड। देखिए, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन। मुझे उसने कहा कि कार्टेशियन इक्वेशन निकालिए, वेरी इजी। अगर आपको वेक्टर इक्वेशन दी है, यही वेक्टर इक्वेशन मान लो दी है, और मुझे कहा है कि कार्टेशियन इक्वेशन निकालिए, तो बेटा कैसे कैलकुलेट करोगे? हाउ यू विल कैलकुलेट, लेट अस सी। मैंने क्या बोला था, वेक्टर से कार्टेशियन निकालने के लिए हम सिर्फ आई जे के की जगह एक्स वाई जेड लगा दो, तो क्या बन जाएगा? 3 बाय रूट 70 एक्स प्लस 5 बाय रूट 70 वाई माइनस 6 बाय रूट 70 जेड इक्वल टू 7। ये कार्टेशियन बन गई। ये मैंने एक एग्जांपल दिया आपको, लेट अस डू कि वहां पर बुक में कौन सा क्वेश्चन दिया है। ठीक है जी, लेट अस डू दैट। हां जी, मेरे पास हो गए क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट। अब आप लोग बताओगे। हां जी, मेरे पास आर डॉट आई प्लस जे माइनस के इक्वल्स टू 2। चलिए, रेज योर हैंड हु इज एबल टू टेल मी कि मैम दिस इज द आंसर। हाँ जी, हंशिका फ्रॉम प्लस टू सी, अनम्यूट योर सेल्फ। हंशिका फ्रॉम प्लस टू सी, अनम्यूट योर सेल्फ। हंशिका, ओके। ध्रुव शर्मा फ्रॉम प्लस टू ए, ध्रुव शर्मा फ्रॉम प्लस टू ए। प्रभनूर, प्रभनूर बेटा अनम्यूट योर सेल्फ। प्रभनूर कौर, अनम्यूट योर सेल्फ बेटा। यस मैम। बताइए बेटा, इसकी कार्टेशियन इक्वेशन क्या होगी? मैम एक्स एक्स आई एक्स आई प्लस वाई जे प्लस माइनस कार्टेशियन में प्रभनूर आई जे के तो बेटा आता ही नहीं है, है ना? नहीं, एक्स प्लस वाई जेड, एक्स प्लस वाई माइनस जेड। मैं बार बार बोल रही हूँ ना कि अगर मुझे यहाँ पर जो है वेक्टर से कार्टेशियन इक्वेशन में जाना है, सिर्फ आई जे के की जगह पे, मैं आपको एक शॉर्टकट बता रही हूँ, आई जे के की जगह पे आप एक्स वाई जेड लिख दीजिए बस। तो मैंने जब लिखा तो मेरे पास क्या बन गया, एक्स प्लस वाई माइनस जेड इक्वल्स टू 2। काम खत्म। देखो, ये एक्स की जगह पे, ये वाई की जगह पे, ये जेड। क्यों? क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है। आर जो है वो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के होगा, डॉट प्रोडक्ट लेना है तो मतलब एक्स का एक्स के साथ, आई कैप का आई कैप के साथ। तो जब लोग यहाँ वन है, वन इंटू एक्स एक्स ही रहना, तो मैंने सिंपल बता दिया, जहां पर आई जे के होता है वहां एक्स वाई जेड लिख दो बस। क्लियर पता चला प्रॉब्लम? ठीक है जी। नेक्स्ट मेरे पास हो गए, एक और करते हैं, लेट अस सी डू वन मोर। मेरे पास हो गए क्या है, सी पार्ट। आर डॉट मेरे पास हो गए एस माइनस टू टी आई कैप, ठीक है जी, प्लस मेरे पास हो गए थ्री माइनस टी जे कैप, प्लस जो गए टू एस प्लस टी, और मेरे पास यहां पर क्या है,
कैप इक्वल्स टू 50, इक्वल्स टू 50, क्लियर कट है। मैंने आपको सिर्फ सिंपल सी बात समझाई है कि हमने क्या करना, कार्टेशियन फॉर्म में लिखनी है, और मैंने आपको कार्टेशियन फॉर्म में लिखने के लिए क्या क्राइटेरिया क्या बताया। रेज योर हैंड। नेक्स्ट टर्न है रसिका की। रसिका अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। यस कनुभा, चलो आप बता दीजिए बेटा। यस कनुभा। मैम एस माइनस टू टी इंटू एक्स प्लस थ्री माइनस टी इंटू वाई प्लस टू एस प्लस टी इंटू जेड इज इक्वल टू 15। वेरी गुड कनुभा। सिंपल मैंने कहा आई जे कैप और के कैप की जगह पे एक्स वाई जेड लिख दो, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, एस माइनस टू टी इंटू एक्स थ्री माइनस टी इंटू वाई प्लस टू एस प्लस टी इंटू जेड इक्वल टू 15। ठीक है बेटा, तो हमने यही करना है और कुछ नहीं। ओके, दिस कंप्लीट्स योर क्वेश्चन नंबर थर्ड। ओके बेटा, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर फोर्थ, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका जब मैंने एग्जाम्पल भी कराया था तो मैंने आपको कहा था ध्यान से सुनना बेटा, ये क्वेश्चन कभी भी आ सकता है। ठीक है, तो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर जो है फोर्थ, व्हाट दे आर सेइंग इन क्वेश्चन नंबर फोर्थ। अकॉर्डिंग टू देम, इन द फॉलोइंग केसेस फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन। उसने कहा है कि हमें कोऑर्डिनेट निकालने फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द गिवन प्लेन। मैंने आगे भी आपको बताया था ये प्लेन है, फर्स्ट पार्ट में आपको बता रही हूँ, ओरिजिन से फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो मैंने ड्रॉ करना है ये, इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल। और इसका मैंने मेथड क्या एग्जांपल में बताया था, जो ये पॉइंट होता है इस लाइन पे, ये पॉइंट है, मुझे इसके डायरेक्शन जो है को साइंस या रेशियोस पता चल रहा है, तो मैं इस लाइन की इक्वेशन लिख सकती हूँ नॉर्मल की। तो मैं नॉर्मल पे कोई जनरल पॉइंट लिखूंगी, वो जनरल पॉइंट किसको सेटिस्फाई करेगा, प्लेन को, क्योंकि अगर वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है तो वहां से मेरे पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, मेरा काम सॉल्व हो गया बेटा बस। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी यहाँ पर जो है मेरे पास, लेट अस राइट द इक्वेशन फर्स्टली। मेरे पास प्लेन की इक्वेशन है 2x plus 3y plus 4z minus 12 equal to 0। ठीक है, इस प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज क्या है, कोई बता सकते हैं इस प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज क्या है। हाँ जी तेगवीर, अनम्यूट योरसेल्फ तेगवीर, तेगवीर अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। हाँ जी तेगवीर, मुझे बताइए बेटा कि मेरे पास जो है इस प्लेन के क्या है डायरेक्शन रेशियोस। 2, 3, 4। 2, 3, 4 बिल्कुल करेक्ट। तो ये जो प्लेन के डायरेक्शन रेशियोस है वो क्या किसके होंगे, और प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज मैं सबसे पूछ रही हूँ, ये जो 2, 3, 4 डायरेक्शन रेशियोज है प्लेन की है, ये और किसके हो सकते हैं। हाँ जी रसिका। यस यस रसिका बेटा, हम परपेंडिकुलर के भी सेम ही होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, नॉर्मल के परपेंडिकुलर, इसका मतलब इस लाइन के इस नॉर्मल के भी सेम डायरेक्शन होंगे। ओके, अब डायरेक्शन रेशियो सेम आ गए मेरे पास, मेरे पास होंगे इस लाइन का पॉइंट भी पता है, डायरेक्शन रेशियोज भी पता है, आई कैन राइट द इक्वेशन ऑफ दिस परपेंडिकुलर। ठीक है, अब मैंने लिखा लेट एनी पॉइंट ऑन दिस, लेट इट बी के से, तो मेरे पास एक्स की वैल्यू जो है वो कितनी आती है 2k, वाई की वैल्यू कितनी आई बेटा That is 3k, और z की वैल्यू कितनी आई 4k, ये एनी पॉइंट
एनी पॉइंट जो है ऑन द परपेंडिकुलर, बट मुझे ये वाला निकालना फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो दिस मस्ट सेटिस्फाई द प्लेन। जब ये प्लेन पे सेटिस्फाई करता है तो टू इंटू मतलब एक्स की जगह पे ये पुट करेंगे थ्री, वाई ये पुट करेंगे और जेड मेरे पास जो है ये पुट करेंगे, तो मेरे पास जो है सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, जब मैंने पुट किया फोर के, फोर प्लस नाइन थर्टीन, थर्टीन प्लस सिक्सटीन ट्वेंटी नाइन के इज इक्वल टू ट्वेल्व के की वैल्यू ट्वेल्व बाई ट्वेंटी। ओके, क्यों पुट किया, मैं बार बार कह रही हूं क्योंकि ये फुट का परपेंडिकुलर है, ये प्लेन को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, बेटा 100% करेगा। तो अब ये के की वैल्यू आप इस पॉइंट पी पे, लेट दिस पॉइंट बी पी, ठीक है, पॉइंट में पुट कर दीजिए, और ये किया फुट का परपेंडिकुलर, तो मैंने पुट किया टू। कैलकुलेशन देख लेना बेटा, कई बार कैलकुलेशन जो है मिस्टेक हो जाती है, बट मैथड जो है वो बिल्कुल सेम हो जाता है, हमारा सेम ही फॉलो होता है। ओके, फोर इंटू ट्वेल्व बाय ट्वेंटी, और यही हमने निकालना है फुट ऑफ परपेंडिकुलर। कई बच्चे शॉर्टकट मेथड अप्लाई करते हैं, दैट इज अप टू यू, बट टू मार्क्स में हमें ये सारे स्टेप्स को शो करने ही पड़े। ओके बेटा, क्लियर टू एवरीवन? चले बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। आई थिंक नाउ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड हाउ टू कैलकुलेट फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन। कोई और पॉइंट भी हो सकता है, मान लो अगर पॉइंट होता वन टू थ्री, यहाँ वन टू थ्री, कुछ भी पॉइंट लिख रहे, कॉन्सेप्ट ऐसे ही, सबको क्लियर है? हाँ जी, प्लस टू ए अभिषेक, अंशिता, आर्यन, भव्यानंद, नो रिस्पॉन्स फ्रॉम अदर क्लास ऑल्सो। चले बेटा आगे, चलिए। हाँ जी, नाउ लेट अस डू द फिफ्थ क्वेश्चन, मेरे पास हो गए। अब फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, फ्रॉम क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, फाइंड द वेक्टर एंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन। हमने दोनों लिखनी है, वेक्टर भी लिखनी है, कार्टेशियन भी लिखनी है। पहला वो किससे जो है, उन्होंने क्या कहा है, क्वेश्चन फिफ्थ ए पार्ट मेरे पास है, क्वेश्चन फिफ्थ ए पार्ट, फाइंड द वेक्टर एंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन दैट पासिस थ्रू, मेरे पास जो है दैट पासिस थ्रू द पॉइंट वन कॉमा फोर जो है, सॉरी वन कॉमा जीरो कॉमा माइनस टू जो है, दैट पासिस थ्रू दिस पॉइंट एंड नॉर्मल टू द वेक्टर, नॉर्मल टू द प्लेन दैट इज गिवन टू मी, दैट मीन्स एन वेक्टर is given to me I plus j minus k, that is given. यानी ये second form of plane की equation होगी, एक point दिया और एक normal दिया। पहली वाली form कौन सी थी, origin से distance की बात करता है, तो यहाँ clear cut r vector जो के minus a vector dot n vector equal to zero, ये वाली लगेगी ना vector। अगर कार्टेशियन वाली में लिखनी है तो वो क्या होती है, अगर आपको याद हो मेरे पास a इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस b इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस c इंटू जेड माइनस जेड वन इक्वल टू जीरो। मैंने भी तो लर्न की है, अगर टीचर्स कर सकते हैं बच्चे भी कर सकते हैं, उनकी लर्निंग पार ज्यादा अच्छी होती है एज कंपेयर टू द टीचर्स, आई थिंक यू आर एबल टू लर्न। ओके, अब बेटा अगर सबसे पहले वेक्टर लिख रही है, दोनों ही लिख रही है ना, तो r वेक्टर माइनस a, तो ये जो पॉइंट है इसके साथ i j k लगा लो, बस क्या बन जाएगा मेरे पास i 0 j माइनस 2 k डॉट, मेरे पास n वेक्टर दिए ही वेक्टर है, हमें n वेक्टर ही लेना होता है, n कैप नहीं लेना होता यहाँ पर सेकंड फॉर्म, तो मेरे पास i प्लस जे माइनस के जो है दैट इज इक्वल टू जीरो। और अगर कार्टेशियन बनानी है तो कार्टेशियन में क्या करेंगे हम लोग, व्हाट वी हैव टू डू कार्टेशियन के लिए, सिंपल मैंने आपको कहा है
कि चाहे आप माइनस करके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, नहीं तो सीधा बना लो ए बी सी क्या है ये इसकी वैल्यू वन वन माइनस वन और एक्स वन वाई वन जेड वन, ये आप पे डिपेंड करते हैं आप कन्वर्जन कैसे करते हैं। ओके जी, तो मैंने यहाँ पर एक्स माइनस वन इंटू वन, फिर प्लस मेरे पास हो गए वाई माइनस जीरो इंटू वन और फिर माइनस वन जेड प्लस टू इक्वल टू जीरो। ओपन इट एंड सॉल्व इट, बात समझ आई बेटा सबको? एनी डाउट टू एनी वन, किसी को कोई यहां तक डाउट है तो बेटा चले बेटा नेक्स्ट। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड पार्ट इज योर होमवर्क, सेम है बिल्कुल। उसने कहा पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड नॉर्मल टू द प्लेन इज दिस, बिल्कुल सेम फिफ्थ क्वेश्चन बी पार्ट। नाउ लेट अस डू क्वेश्चन नंबर सिक्स। ओके, अब क्वेश्चन नंबर सिक्स में हम क्या करते हैं बेटा, देखिए क्वेश्चन नंबर जो है सिक्स, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द थ्री पॉइंट्स। और 100% ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। मैंने कल भी ये बात बताई थी कि अगर थ्री पॉइंट से पास करती मेरे पास जो है एक प्लेन की इक्वेशन लिखनी है तो हमने कैसे लिखनी है, लेट अस सी बेटा हाउ टू राइट द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन मेरे पास जो है। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला लगाते थे अगर आपको याद हो, x माइनस एक्स वन वाई माइनस वाई वन जेड माइनस जेड वन, नीचे क्या आएगा फिर एक्स टू माइनस एक्स वन, फिर वाई टू माइनस वाई वन, फिर जेड टू माइनस जेड वन, नेक्स्ट में एक्स थ्री माइनस एक्स वन, फिर वाई थ्री माइनस वाई वन, फिर जेड थ्री माइनस जेड वन इक्वल टू जीरो। अब वैल्यूज पुट करें, एक्स वाई जेड ही रहना मेरे पास हो गए एक्स वाई जेड, पहला पॉइंट माइनस कर दीजिए माइनस वन प्लस वन। ओके जी, फिर एक्स टू माइनस एक्स वन, अब इन पॉइंट्स को माइनस कर दो फाइव थ्री और क्या करेंगे माइनस फोर। ओके, अगला मेरे पास है दिस माइनस दिस, जब करेंगे तो माइनस फाइव, हाँ जी दिस माइनस दिस करेंगे तो माइनस थ्री और दिस माइनस दिस करेंगे तो कितना आ जाएगा फोर। अब इस डिटरमिनेंट को ओपन कीजिए, यू विल गेट योर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। अब ये चीज तो आपको लर्न करनी है ना बेटा 100%, ये लर्न करोगे तो आगे इक्वेशन बना पाओगे, नहीं तो वेक्टर फॉर्म में कर लीजिए, अल्टीमेटली सॉल्व तो करना ही पड़े। ओके बेटा, और सिक्स्थ का बी पार्ट भी बिल्कुल ऐसे ही, थ्री पॉइंट्स दिए और आपको प्लेन की इक्वेशन, क्लियर बेटा? यहां तक किसी को कोई डाउट है, एनीथिंग यू वांट टू आस्क यू कैन आस्क मी। चले आगे फिर, चलिए नाउ नेक्स्ट बेटा, इन द सेवेंथ क्वेश्चन व्हाट दे आर सेइंग, इन द सेवेंथ क्वेश्चन दे वर सेइंग कि मेरे पास जो है फाइंड द इंटरसेप्ट जो है कट ऑफ बाय द प्लेन जो है ऑन द थ्री एक्सिस और मुझे जो है टू एक्स प्लस वाई मेरे पास माइनस जेड इक्वल टू फाइव। आपकी मर्जी, आप या तो पहले इंटरसेप्ट फॉर्म में ले आओ या अगर एक्स इंटरसेप्ट निकालना है वाई जेड को जीरो पुट कर दो, वाई इंटरसेप्ट निकालना है एक्स जेड को जीरो पुट कर दो, जेड इंटरसेप्ट निकालना है तो एक्स वाई को जीरो पुट कर दो, ये आप पे है। ओके, वी विल डू दिस क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम, ठीक है? टिल देन बेटा गुड बाय एंड टेक केयर।